बंधु जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। हर साल कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं देव दिवाली क्या है, जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाती है। इस साल देव दिवाली 27 नवंबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। चलिए देव दिवाली से जुड़ी कथा जानते हैं। देव दिवाली 2023 कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार को ही देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को त्रिपुरासुर पर भगवान शिव की जीत की खुशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग दीप दान करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली भी कही जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। देव दिवाली का खास संबंध काशी से है। इस दिन काशी बनारस के घाट में दीप दान की जाती है और पूरा घाट दीप से रोशन होकर जगमगाता है। बहुत से लोगों को देव दिवाली के महत्व के बारे में पता नहीं है, इसलिए आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी क्या पौराणिक कथाएं हैं। चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं और वरदान में अमृतत्व मांगते हैं। ब्रह्मदेव ने अमृता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो, जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए तीन पुरियाँ जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मरना चाहें तभी हमारी मृत्यु हो, जिसके बाद ब्रह्मदेव तथा अस्तु कहते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगते हैं। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं, जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लेते हैं। ऐसे हुआ था त्रिपुरासुर का वध, आइए जानते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाए, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चलाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियाँ जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरी के नाम से जाने गए। बता दें कि त्रिपुरासुर का जब वध हुआ था उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीप दान कर खुशियाँ मनाते हैं। तभी से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दिवाली कहा गया, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाए थे, इसलिए इसे देव दिवाली कहा गया है। बंधुओं, यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। परंतु उसके पहले आज का एक खास उपाय, अपने किचन में जो भी आपका परिंडा रखा हो वहाँ पे आप 7 दीपक लगाएं, वो भी शुद्ध घी के, उसमें गोल बाती लगाएं और उनको टीका करें, चावल चढ़ाएं और उसको जलाएं, और जलाने के पहले उनको आसन दें चावल का और उनके सामने रख दें 7 फूल कोई से भी हो सकते हैं। और जब ये पूरे आपके दीपक जल जाएं और जल के ठंडे हो जाएं, उसके बाद आप उनको उन फूलों को उठा करके किसी भी वृक्ष के नीचे, आंवला, पीपल, बरगद, शमी या बेलपत्र, कहीं भी रख दें और उसमें से एक फूल उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें। देखिएगा आप अगले साल देव दिवाली आने तक अपने को जिस स्थिति में आज हैं उससे कहीं गुना बेहतर पाएंगे।
यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। इस देव दिवाली ये उपाय जरूर करके देखिएगा और आपको सुख समृद्धि शांति भगवान से यही।